बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, यहाँ हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बीच भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने ढाका के दौरे पर हैं। वह भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करने के लिए सोमवार सुबह ढाका पहुंचे। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब इस साल अगस्त में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। विक्रम मिस्त्री ने दोपहर के समय बांग्लादेश के विदेश मंत्री मोहम्मद जशीम उद्दीन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बांग्लादेश के विदेश विभाग एक फोटो शेयर कर बताया कि विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बांग्लादेश के विदेश सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन से मुलाकात की। अगस्त में शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़कर भारत आने के साथ ही नई कार्यवाहक सरकार और उसके प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने भारत को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। शेख हसीना के देश छोड़ने के साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न शुरू हो गया। वहीं अपने दौरे को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा, आज की चर्चाओं में हम दोनों देशों के संबंधों का जायजा लेने का अवसर दिया है। मैं अपने सभी वार्ताकारों के साथ स्पष्ट और रचनात्मक चर्चाओं की सराहना करता हूँ। भारत बांग्लादेश के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध चाहता है। I'm here in Dhaka at the invitation of my Bangladesh colleague, His Excellency Mohammad Jashimuddin, the Foreign Secretary of Bangladesh, for discussions and consultations on the entire gamut of issues in the extremely important bilateral relationship between India and Bangladesh. Since the political changes in Bangladesh in August this year, there has of course been contact between our leaderships. The Prime Minister was the first world leader to greet the chief advisor on his assumption of office. The two of them had a very cordial telephone conversation thereafter, and the chief advisor also accepted the Prime Minister's invitation to speak at the third Voice of the Global South summit that was held in August this year.